वयम् राष्ट्रे जाग्रयाम् पुरोहिता। राष्ट्र जागरण की बात बहुत लोगों द्वारा बहुत अवसरों पर बहुत बार दोहराई जाती है। आकर्षक नारे दिए जाते हैं, समस्याओं का समाधान करने के लुभावने वादे किए जाते हैं, फिर भी राष्ट्र जागृत नहीं है। दरअसल सक्रियता जागृति की पर्याय नहीं। सक्रिय मनुष्य में मनुष्यता का अभाव बेहतर खटकता है। इसी तरह राष्ट्र की विविध गतिविधियों के बीच राष्ट्रीय भावना का अभाव बराबर अनुभव हो रहा है और उसके निवारण के उपाय सफलीभूत न होने से हर राष्ट्र प्रेमी का अंतःकरण चित्कार कर रहा है। राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय मर्यादा, राष्ट्रीय आत्मीयता, राष्ट्रीय समृद्धि आदि की वृद्धि और उत्कर्ष की बात क्या की जाए। उसका कोई न्यूनतम स्वरूप भी निर्धारित न हो सकना चिंतनीय बात है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र सचमुच सोया पड़ा है, सामान्य निद्रा में नहीं, मूर्छा जैसी गहन स्थिति में। उसे चैतन्य, जागृत, सतेज बनाने के लिए विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। पर प्रयास करे कौन? राष्ट्रीय चेतना को कौन उभारे? उसे कैसे विकसित करें? घूम फिर कर हमारी आदत कुछ दलों और उनकी सरकार की ओर देखने की पड़ गई है, पर यह बड़ी भारी भ्रांति है। जब सरकार विदेशी थी तो उसने सोए राष्ट्र का उपयोग अपने स्वार्थ में करने के लिए उसे उसी स्थिति में रखना पसंद किया, और आज जब वह आंतरिक है तो वह भी उसी सुप्त समाज का एक अंग है। सोया हुआ अंग सोए हुए को कैसे जगा सकता है? जिनकी दृष्टि स्वयं में सीमित है उनसे विस्तृत दृष्टिकोण की कामना कैसे करें? राष्ट्र जागरण का महान कार्य तो जागृत अंतःकरण वाले व्यक्तियों का है। प्रचलित मान्यताओं के परे जिनका मस्तिष्क सोच सकता है ऐसे व्यक्ति ही राष्ट्रीय चेतना जागृत कर सकते हैं। जिनके जीवन की गतिविधियां किन्हीं अंशों में स्वार्थ की सीमा के बाहर सक्रिय हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों की अपेक्षा सामूहिक हित चिंतन जिनके स्वभाव में है तथा उसके अनुरूप जीवन प्रक्रिया चलाने के जो थोड़े बहुत अभ्यस्त हैं, वे ही इस कार्य में आगे आ सकते हैं। तात्कालिक लाभ की मृग मरीचिका में भटकते नागरिकों को जो दुर्गामी परिणामों का स्मरण दिलाकर अपेक्षाकृत अधिक स्थायी लाभ प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा दे सके, ऐसे विकसित दृष्टिकोण तथा समर्थ व्यक्तित्वों का यह कार्य है। ऐसे व्यक्तियों को प्राचीन काल में पुरोहित कहते थे। पुरोहित शब्द से भी यही भाव निकलता है कि जो सामने का लाभ नहीं आगे का दुर्गामी हित समझकर उसकी प्राप्ति की व्यवस्था बना सके। हीन स्वार्थों के स्थान पर महत् स्वार्थों की सीढ़ियों पर चलते हुए परमार्थ तक लोगों को गति दे सके, वही पुरोहित में चिंतक और साधक दोनों गुण आवश्यक है। जो चिंतन विश्लेषण द्वारा सही परामर्श दे सके तथा आदर्श जीवन पद्धति से मूर्तिमान प्रेरणा रूप बनकर रहे, वही पुरोहित है। वे अपने जीवन में आदर्श का अभ्यास करने के साथ साथ व्यक्तिगत हित के साथ साथ समाज हित की जो कल्पना कर सके, ऐसे व्यक्ति इस वर्ग में आ सकते हैं। राष्ट्र जागरण का कार्य प्रमुख रूप से ऐसे ही प्रकाशवान व्यक्तित्वों का है। ये संगठित होकर स्वयं को इस महान प्रयोजन के लिए समर्पित कर सकें तो यह महान राष्ट्र विश्व मंच पर पुनः सिहनात कर सकता है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।